हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द व्हाट द फैक्ट से। फैक्ट से मतलब ये एक नई सीरीज होगी जिसके अंदर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक होगा उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, उसका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हॉकी के अंदर सेमीफाइनल्स में इंडिया 41 ईयर्स के बाद पहुंची है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 49 ईयर्स के बाद पहुंची है। तो दोनों में से कौन सी डेट एकदम सही है, कौन सा ईयर एकदम सही है, वो हम आज कुछ फैक्ट चेक करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट निकालेंगे कौन सी डेट या कौन सा ईयर एक्यूरेटली उस चीज को प्रूफ करता है कि 41 ईयर है या 49 ईयर है। तो लेट्स चेक आउट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबको स्टार्ट कहां से हुआ था। तो ये सबको स्टार्ट हुआ था कि फेसबुक एक पोस्ट के कारण, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इंडियन हॉकी ओलंपिक्स टीम 41 ईयर्स के बाद सेमीफाइनल से पहुंची है, और उसी के नीचे और उसी के बाद किसी और मीडिया रिपोर्ट ने ये क्लेम किया था कि 49 ईयर्स के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। जब उन लोगों से पूछा गया कि आपने 49 जो ईयर है उसको क्लेम क्यों किया है, तो उन लोगों ने दो चीज़ें रखी थी। पहली चीज़ रखी थी कि 1980 के अंदर मॉस्को ओलंपिक्स में ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल्स खेला था, और 1980 के अंदर तो मॉस्को के अंदर इंडिया गोल्ड मेडल लेके आया था। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि 1972 के अंदर म्यूनिक गेम्स के अंदर, जो म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था उसके अंदर भी इंडिया सेमीफाइनल्स के अंदर एंट्री कर चुका था। बट अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अगर हम दो मिनट के लिए अगर मीडिया रिपोर्ट्स को साइड में रखते हैं और जो उन लोगों की बात को यकीन कर लेते हैं जिन लोगों ने ये ट्विटर पे या फेसबुक पे ट्रेंड किया था कि आफ्टर 41 ईयर्स के बाद अगर इंडिया को मेडल आ रहा है हॉकी के अंदर, हम उनकी बातों को मान लेते हैं, तो वो लोग लीगली सही है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये पोस्ट दिख रहा होगा, ये द हिंदू का पोस्ट है जो जुलाई 17, 2012 के अंदर पब्लिश हुआ था। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इंडिया ने स्पेन को बीट किया था और इंडिया ने फर्स्ट पोजिशन पर ख़त्म किया था, और यहाँ पर इस टाइम पर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट था। तो इस हिसाब से तो उन लोगों की बात है एकदम सही है कि 41 ईयर्स के बाद इंडिया को मेडल आ रहा है, यहाँ पे एकदम सही है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के अंदर रशियन आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, और अफगानिस्तान की जो पीपल्स हैं, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है रशियन आर्मी के द्वारा। अब इस चीज़ को देख के देश के बाकी लोग, जो आसपास के जितने दूसरे लोग थे और आगे जो दूसरी कंट्रीज थी, उन लोगों ने क्या किया, हम उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मॉस्को जो ओलंपिक्स है, जो 1980s में ओलंपिक्स होने वाला है, हम उसको बॉयकॉट करेंगे, और वो बॉयकॉट करते भी हैं। और इस एक रीज़न के कारण इंडिया के जो ग्रुप स्टडीज थे हॉकी के अंदर वो इतने कम हो जाते हैं कि इंडिया डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाता है फाइनल्स के लिए, और फाइनल्स में वो डायरेक्ट सिर्फ एक टीम को हराता है, वो स्पेन को हरा देता है, और उस स्पेन को हराने के बाद हम लोगों को गोल्ड मेडल जीत जाते हैं हम लोग 1980 के अंदर। बट एक और चीज़ याद रखना इसके अंदर कि हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स हमने नहीं खेला इसके अंदर, हमने ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ 2 या 3 मैचेस खेले थे, वो भी उन टीम के सामने जो टीम लास्ट मोमेंट में एंट्री कर गई थी। तो ये थी वो मॉस्को वाली 1980 वाली ओलंपिक्स वाली स्टोरी, जिसके ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं तो जिन लोगों ने फेसबुक के ऊपर, जिन लोगों ने ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड किया था कि 41 ईयर्स के बाद मेडल मिला है, तो वो लोग इस स्टोरी के हिसाब से और इस ओलंपिक के हिसाब से वो लोग सही हैं। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। हमने बताया था कि आपको 1972 का म्यूनिक ओलंपिक के बारे में बात करनी बाकी है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं 1972 के ओलंपिक्स गेम्स के बारे में, जिसके अंदर इंडिया क्वालिफाई करता है और इंडिया को मिलता है थर्ड पोजीशन, और इंडिया अपने ग्रुप के और अपने सारे मैचेस को लीगली खेलता है। अब आपके सामने एक फोटो आ रहा है, ये फोटो है 1972 के ओलंपिक्स का, पूरा लिस्ट है उसके सामने, आपके सामने दिख रहा होगा। ये द हिंदू का आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि इंडिया ने सारे मैचेस खेले और कहाँ पे वो हारा है और कहाँ पे वो जीता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडियन हॉकी प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा था कि 1980 के अंदर जो मैचेस हुए थे, जो मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर नो क्वार्टर फाइनल नो सेमीफाइनल दोनों में जो कुछ भी नहीं हुआ था, और जो लीग स्टेज के जो पहले दो टीम थी वो डायरेक्ट फाइनल खेलने वाली थी। बट 1972 के अंदर सेमीफाइनल था और इंडिया ने टेक्निकली वो सेमीफाइनल खेला था, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया ने सेमीफाइनल आफ्टर 49 ईयर्स के बाद खेला है ऑफिशियली। लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये कहता है कि 1980 का जो ओलंपिक्स हुआ था मॉस्को वाला, उसके अंदर इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, बट उसने कभी क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल नहीं खेले थे, ना उसने अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेले थे। बट 1972 के जो म्यूनिक ओलंपिक्स था उसके अंदर वो भले पाकिस्तान से हारा सेमीफाइनल में, बट टेक्निकली उसने ग्रुप स्टेजेस सारे खेले थे, उसने क्वार्टर फाइनल्स भी खेला, सब कुछ खेला था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में सेमीफाइनल आफ्टर 49 ईयर्स के बाद खेला है। सो एट लास्ट, ये मेरी सीरीज का पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको क्या लगता है कि जो कंक्लूजन निकला है 41 या 49, तो आपको क्या लगता है,
आपके वंडरफुल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगना। और आपको लगता है कि इस चीज़ को पब्लिकली पब्लिक को पता चलना चाहिए इस फैक्ट को लेके, तो वीडियो को शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।